समाज में कुछ तबके में ऐसे मौलवी हैं कहते हैं कि नमाज ना पढ़े तब भी जन्नत में जाएगा, जकात ना दे तब भी जन्नत में चला जाएगा, बस पीर का दामन पकड़ लो जन्नत में चले जाओ। पिछली मरतब जब मैंने कुरान की आयत बता करके आपको बताया था कि नमाज ना पढ़ने वाला कहां जाएगा, जहन्नम में जाएगा, जब ये वीडियो मैंने इंटरनेट पे डाली तो लोगों को तकलीफ हो रही थी, वो लोग जिनके मौलवी ये बताते हैं कि बगैर नमाज पढ़े भी तुम्हारी नैया पार है, जबकि अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुम जहन्नम में जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो। यहां अल्लाह उसके रसूल क्या बताते हैं, जकात नहीं दोगे तो जहन्नम में जाओगे, यही माल तुम्हें कूटेगा, तुम्हारा मुहासबा करेगा। लेकिन देखें ये पीरों और फकीरों और गुजावर लोग किस तरह की तालीम देते हैं। कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इंडिया में पाकिस्तान में इस तरह से जो है गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर, सूफियों का लिबास लगाकर, हिंदुओं की नकाली करके ऐसी ऐसी बात बताते हैं जिसका दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी इनके ताल्लुक से कहते हैं, अल्लाह की कसम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरा कदम कयामत में उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक मैं अपने हर मुरीद को बख्शाकर जन्नत में ना दाखिल कर दूं। जन्नत अब्दुल कादिर के कदमों में है, उनके इख्तियार में है, उनकी इजाजत से अल्लाह किसी को जन्नत में डालेगा, वो जन्नत के मालिक हैं। या उनका नाम ले ले नमाज पढ़ने वाला हो ना हो, यही जो है भंग दिया गया, जैसे भंग देकर के सुला दिया जाता है। तो ये सूफी सल्लाट किस्म के लोगों ने ये भंग दिया कि किसी पीर के नाम से बात कर लो तुम्हारी नैया पार हो गई, वो पीर तुम्हें बख्शवा लेगा। देखें कयामत में जन्नत में सबको डाल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को कलमा तक नहीं पढ़ा सके, अपनी चचा को, वो चचा जिन्होंने जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निछावर कर दी, उस चचा को वफात के वक्त जो है बचा न सके, इस्लाम में दाखिल न कर सके और अजाब से भी ना बचा पाएंगे। सबसे हल्का अजाब उन्हीं को दिया जाएगा, है ना, अजाब दिया जाएगा। लेकिन ये भंगड़े वाले किस तरह की बातें करते हैं इस्लाम से, और ये लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं, यानी जितने समाज में गुमराह हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये इन लोगों की है जो अहमद नक्शबंदी जैसे लोग हैं या अमीनुल कादरी जैसे इंडिया में चीखने चिल्लाने वाले बाबाओं के करतूत बयान करते हैं। बताइए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, आवाम पर क्या असर पड़ेगा, आवाम कैसे नमाज पढ़ेगी, कैसे जकात देगी, इस्लाम पर कैसे अमल करेगी, इनको तो इस्लाम बताना चाहिए ना, इनको पीरों फकीरों का दीन बताया जाता है। देखिए जैसे कहा जाता है कि एक सुन्नी था, सैयद की ताजीम किया करता था, बगैर तौबे के मर गया, तो पीर साहब यही अब्दुल कादिर जिलानी आए और ठोकर मार के उठाया, वो चादर ओढ़े हुआ था, चादर फेंका तो खड़ा हो गया, लोग डर के मारे भागने लगे। वो बताया, भाई मैं जिंदा हूं, मेरे पीर साहब आए थे मुझे जिंदा किया, उन्होंने ठोकर मार के उठाया और कहा कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए मर जाए, ऐसा हो नहीं सकता, मेरा पीर बगैर तौबा किए मर जाए ऐसा हो नहीं सकता। बरकत उस बंदे ने तौबा की और उसके बाद मरा। तो ये किस्से कहानियां, तो जाहिर सी बात ऐसे किस्से नहीं बयान करेंगे तो हाथ पर बैत कैसे होगी, ऐसी झूठी झूठी बातें बयान की जाती है तो लोग जो है इस पर यकीन करते हैं और पीरी मुरादी मुरीदी की तरफ आते हैं।